पिसा हुआ चावल, चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी। स्कंद पुराण कहती है जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए मानसिक टेंशन में परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए एक लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल, चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए महाराज। दो या तीन सोमवार एक ही जगह पर करना, तीन सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखो, लगभग दो से तीन महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जलवृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है एक महीना दो महीना तीन महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त।